सत्संग जी प्यार से बोलिए। धन्यकार जी, आप सभी आनंदित होंगे, खुशहाल होंगे। प्रभु की रजा में हमेशा ईश्वर का शुक्रगुजार करते हुए जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। इस स्वभाव के साथ दास विश्वंभर मिश्रा, आज का विषय है जीव दया। युग चाहे कोई भी रहा हो, हमेशा से ही महापुरुषों के हृदय में सबके उपकार की बात रही है और हमेशा से वो जीवों पे दया करते रहे हैं, चाहे इंसान के ऊपर हो या अन्य प्राणियों के ऊपर। इस तरह का करने के पीछे सिर्फ और सिर्फ उनका हृदय, उनकी करुणा, उनकी दया के भाव ही हैं जो सबको प्रेरित करते हैं कि हमें भी एक दूसरे के काम आना चाहिए, एक दूसरे का सहयोगी बनना चाहिए और जीवों के ऊपर दया के भाव रखने चाहिए। महात्मा हमेशा समझाते रहे हैं, हम किसी की सेवा कर रहे हैं या किसी पे दया कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है, वहाँ पे सिर्फ ऐसा है कि हम अपने दायित्व का पालन कर रहे हैं। सत्संगत अक्सर देखा जाता है कि अन्य प्राणियों के साथ दुर्व्यवहार होता है, उन्हें कोई ईंट से मारता है, कोई पानी फेंक देता है, कोई कुछ करता है, लेकिन ऐसा नहीं। सत्संगत सब में अगर ये बात महात्मा समझाते रहे हैं कि कण कण में परमात्मा है, तो सत्संगत उस कण कण का सम्मान हमें करना चाहिए। हमेशा एक चैतन्य अवस्था में जीवन व्यतीत करते हुए सबके भले में अपने आप को सहयोगी साबित करना चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि हमारे घर के आसपास जो भी पशु हैं वो भूखे रह जाते हैं, लेकिन हम ये भी प्रयास कर सकते हैं कि हम अपने घर के भोजन में से कुछ भोजन पशुओं को भी खिलाएं। हम देखते हैं अक्सर बहुत सारी गंदगी हमारे परिवेश में, हमारे आसपास होती है और बहुत सारा प्राणी समूह भूखा रह जाता है बिना खाने का। तो सत्संगत हम ये कोशिश कर सकते हैं कि उनका भी पेट भर जाए और सफाई भी हमारे वातावरण को शुद्ध रखे। सफाई के दौरान हम सभी ये ध्यान रखें कि खुद भी प्रेरित हों, औरों को भी प्रेरित करें, अपना दायरा धीरे धीरे बड़ा करें ताकि औरों को भी उससे प्रेरणा मिले। सत्संगत पशुओं के कल्याण के लिए हमेशा से, चाहे कोई भी युग रहा हो, हर महात्मा, चाहे भगवान बुद्ध हो, चाहे स्वामी विवेकानंद जी हो, भगवान राम हो, भगवान कृष्ण हो, हमेशा से ही जीवों का कल्याण हो इस बात का प्रयास करते रहे हैं। और ये एहसास आज कहीं ना कहीं हर मानव में कम होता जा रहा है, लेकिन महात्मा हमेशा से प्रेरित करते रहे हैं, दुख तेरा हो या मेरा हो, दुख की परिभाषा एक है, आंसू तेरे हो या मेरे हो, आंसू की भाषा एक है। सत्संगत एक बार की बात है, एक डॉक्टर के पास एक कुत्ता आता है और अपने बच्चे को लेके आता है, लेके आता है। डॉक्टर देखता है कि कुत्ते के बच्चे को चोट लगी हुई है और डॉक्टर उसकी इलाज करता है, घाव को साफ करके उस पर कुछ दवाइयाँ लगाता है। धीरे धीरे वो कुत्ता का बच्चा छोटा सा था और वो ठीक हो जाता है। डॉक्टर उसे हमेशा कुछ ना कुछ देता है खाने को, कभी रोटी देता है, कभी कुछ भी, उसे जो भी खिलाना है डॉक्टर अपनी तरफ से खिलाता था। और एक दिन ऐसा डॉक्टर देखता है कि ये क्या हो गया, दरवाजे पे वही छोटा सा कुत्ता का बच्चा जो बड़ा हो चुका था आता है, वो एक बिल्ली के बच्चे को लेके आता है। और सत्संग डॉक्टर ये देखकर बड़ा आश्चर्य में था कि जहां बिल्ली के बच्चे, बिल्ली को कुत्ता झपट मारता है, वहां पे ये बिल्ली के बच्चे को कैसे लेके आ गया। सत्संग वहां एक ही चीज दिखी कि बिल्ली के बच्चे को भी चोट लगी थी और वो बहुत देर से चिल्ला रही थी। सत्संग ये दूसरों के दुख से जो द्रवित होते हैं, वास्तव में उनके हृदय में ही परमात्मा का वास है, वही दूसरों को समझ सकते हैं,
वही दूसरों के कल्याण के लिए अपने आप को आगे लाते हैं। आइए हम सभी ये प्रयास करें कि जीवों के साथ हम थोड़ा थोड़ा सहयोग अगर करेंगे तो और जीव, अगर इंसानी योनि को श्रेष्ठ योनि कहा गया, सबसे उत्तम योनि कहा गया, तो इसके गुण भी उत्तम होने चाहिए, इससे अन्य योनियों को भी लाभ होना चाहिए, उन्हें भी सुख की प्राप्ति होनी चाहिए। यही प्रयास हम सभी करते रहें। अपने आसपास के जितने भी पशु हैं, जितने भी जीव हम देखते हैं, सत्संगत हम कोशिश करें कि हम उनके भरण पोषण में, उनके पेट भरने में थोड़ा सा सहयोग दें, ताकि सत्संगत हम खुद खुशहाल होंगे। वो कहते हैं, वो खुश होता है जो औरों को खिलाता है, क्योंकि उससे दिल से खुशियां प्राप्त होती हैं। आइए इस सहयोग में अपने आप को समर्पित करें। इस स्वभाव के साथ दास आपसे इजाजत चाहेगा। प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।